हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा, मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है पितृपक्ष। जी हाँ, यानी कि श्राद्ध। और ये श्राद्ध जो हैं इस वर्ष कब से आरंभ हो रहे हैं, कब से इनकी शुरुआत है, कब तक चलेंगे और हमको इन श्राद्ध के विषय में ये भी जानना हमारे लिए आवश्यक है कि हमारे हिंदू धर्म में जो ये श्राद्ध पक्ष आता है साल में एक बार वर्ष में, तो इनका क्या महत्व है हमारे जीवन में, हमको इन श्राद्ध को क्यों करना चाहिए, जो हमारे पूर्वज हैं उनका, उससे क्या लाभ की प्राप्ति होती है, ये भी आपको बताएंगे। और दूसरा, किस तिथि में कौन सा श्राद्ध मनाया जाएगा, किया जाएगा, इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। किस तिथि में कौन सा श्राद्ध होगा, इसके अतिरिक्त कब से शुरुआत होकर के और कब अंत होगा, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। तो ये हमारा जो वीडियो है, आप इसको पितृपक्ष से संबंधित यदि सारी जानकारी आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और आपसे हम ये भी कहना चाहेंगे प्रिय साथियों कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी श्राद्ध पक्ष की जो महत्वता है उसके विषय में जानकारी हो कि ये क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं, क्यों इनको किया जाना आवश्यक है और क्या इससे मिलने वाले लाभ होते हैं। ये सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने वाली है हमारे द्वारा। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों, पितृपक्ष या श्राद्ध को हमारे सनातन धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, इसको श्राद्ध पक्ष को। और श्राद्ध पक्ष की कुल अवधि जो है वो 16 दिनों की होती है। इस अवधि में लोगों के द्वारा अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है तथा उनसे ये प्रार्थना की जाती है कि अपने और अपने पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद की कामना करते हुए उनसे प्रार्थना की जाती है। और ये सम्मान तर्पण आदि के जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा संपन्न किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हमारे हिंदू जो पंचांग है उसके अनुसार पितृपक्ष का जो आरंभ होता है प्रतिवर्ष, वो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष से होता है। हालांकि वैसे तो ये भाद्रपद माह यानी कि भादों के महीने की पूर्णिमा से ही आरंभ हो जाते हैं, जो कि गणेश महोत्सव के या तो अनंत चतुर्दशी से ठीक अगले दिन या अनंत चतुर्दशी के दिन। इस बार क्या है कि अनंत चतुर्दशी को ही पूर्णमासी का श्राद्ध किया जाएगा। तो कहने का भाव है कि अनंत चतुर्दशी जिस दिन होगी उसी दिन से ही श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाएगा, उसी दिन से शुरुआत हो जाएगी श्राद्ध पक्ष की इस वर्ष। और इसका अंत जो है वैसे आश्विन माह की अमावस्या पर होता है, जिसको पैदला अमावस्या भी कहते हैं। अब किस दिन करें पूर्वजों का श्राद्ध, ये भी एक बहुत लोगों में जिज्ञासा रहती है जानने की। तो साथियों, ये भी समझने वाली बात है, आप इसको ध्यान से सुनिए। पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों का जो श्राद्ध है किस तिथि पर किया जाए, ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में बना रहता है, ये क्वेश्चन मार्क रहता है। तो साथियों, इसका सही जवाब हमारी धार्मिक मान्यताओं के जो अनुसार वो इस प्रकार है कि अगर आपके पूर्वज या पितृ या परिवार के मृत सदस्य की मृत्यु की जो तिथि है आपको अगर मालूम है कि किस तिथि में उनकी मृत्यु हुई थी, तो पितृपक्ष में पड़ने वाली उसी तिथि को ही उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। यदि मृत्यु की तिथि की जानकारी आपको नहीं है साथियों कि किस तिथि में उनका देहांत हुआ उस व्यक्ति का जो आपके परिवार से संबंधित थे, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या किया जाए, ऐसी स्थिति में फिर ये किया जाना चाहिए
कि उनका जो श्राद्ध है वो आश्विन माह की जो अमावस्या होती है, जो अंतिम जिस दिन श्राद्ध होता है अमावस्या को आश्विन माह की, उस दिन आप वो श्राद्ध उनका उस तिथि में कर सकते हैं और उनका तर्पण कर सकते हैं। इसीलिए इस अमावस्या को सर्वपित्र अमावस्या भी कहा जाता है। ये भी एक कारण है, यदि किसी परिजन की असमय मृत्यु या किसी दुर्घटना या आत्महत्या या अकाल मृत्यु जैसे जिसको कहते हैं, अगर ऐसा हुआ है हुई है तो फिर उनका जो श्राद्ध है वो चतुर्दशी तिथि को ही करना चाहिए, चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। और यदि पिता हैं तो उनका श्राद्ध अष्टमी को, और यदि माता हैं या सुहागिन महिला हैं तो उनका श्राद्ध नवमी तिथि को ही करना उपयुक्त माना गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार। श्राद्ध पक्ष की ज्योतिषीय इंपॉर्टेंस क्या है, उसका क्या महत्व है ज्योतिष के आधार पर श्राद्ध का? हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश कर देते हैं, कर जाते हैं, उस समय ही पितृपक्ष पड़ता है, यानी कि जब वो कन्या राशि में आ जाते हैं, क्योंकि काल की कुंडली में पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो सूर्यदेव हैं। यही कारण है कि हमारे कुल का जो घोतक भी सूर्य ही है। यानी कि सामान्य शब्दों में अगर हम कहें तो जब सूर्य कन्या राशि में आते हैं तो सभी पितृ अपने वंशजों के घर धरती पर आते हैं। यदि इन 16 दिनों की अवधि यानी कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितृपक्ष की आश्विन माह की अमावस्या को पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया जाता है तो ऐसी भी मान्यता है धार्मिक तौर पे कि हमारे पूर्वज कुपित होकर के, नाराज होकर के अपने वंशजों को श्राप देकर चले जाते हैं। और ये भी मान्यता है कि जिनके पितृ या पूर्वज अपने वंशजों से प्रसन्न नहीं रहते हैं उन लोगों को या उन परिवारों को अपने जीवन में बहुत कष्ट और तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी इस बात का बहुत ही विशेष रूप से उल्लेख मिलता है कि जब भी किसी परिवार में कोई बड़ा शुभ कार्य या पूजा इत्यादि की जाती है तो पहले उन्हें अपने पूर्वजों की ही पूजा करनी चाहिए, यही कायदा कहता है। उसके बाद यदि आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो ऐसा करने से पूर्वज तो आपके प्रसन्न होते ही हैं, उनकी तो कृपा आपको मिलती ही है, देवी देवता भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जिन परिवारों के द्वारा ऐसा किया जाता है उनके ऊपर उनके पूर्वजों की, जैसा मैंने कहा, के साथ साथ देवी देवताओं की भी बराबर कृपा सदैव बनी रहती है। तो साथियों, अब ये तो हमने आपको बताया पितृपक्ष के विषय में जानकारी दी, अब हम आपको साथ की साथ ये भी बताना चाहेंगे कि पितृदोष क्या चीज है। यानी कि किसी की, यदि किसी की कुंडली में पितृदोष बनता है, आपने भी सुना होगा कि कुंडली में अक्सर जातकों की पितृदोष, ये भी एक दोष होता है ज्योतिषीय, तो किसी भी की भी कुंडली में ये बन जाता है, तो ये पितृदोष क्या है, क्यों कहते हैं इसको पितृदोष? तो साथियों, ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष भी एक बहुत ही बड़ा दोष माना गया है, बहुत अशुभ होता है ये जातक के लिए। जिन जातकों की कुंडली में ये पितृदोष पाया जाता है उनको उनके जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, अधिक संघर्ष करना पड़ता है, और अधिक संघर्ष करने के बावजूद भी उनके कार्य या तो बन नहीं पाते या फिर उनमें बाधाएं जरूरत से ज़्यादा आती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदैव परेशानियों का ही सामना करते रहते हैं जिनकी कुंडली में पितृदोष बना होता है, तथा धन का भी अभाव पूरे जीवन भर उनके जीवन में बना रहता है। इस पितृदोष को दूर करने के लिए जो उपाय बताए गए हैं उनमें जैसे कि त्र्यंबकेश्वर में जाकर के पितृदोष की पूजा कर लेनी चाहिए,
या फिर गया में जाकर के, बिहार में, या फिर काशी में जाकर के, या गंगोत्री या यमुनोत्री पर जाकर के पितृदोष की पूजा जरूर करवानी चाहिए। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है साथियों, तो फिर आपके लिए सबसे उत्तम तरीका जो है वो हम बताने जा रहे हैं। वो क्या है? वो ये है कि आप श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली जो आश्विन माह की अमावस्या है, उसको आप अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को अपने घर पर बुला करके उन्हें अपने हाथों से आप भोजन कराएं और अपनी क्षमता के अनुसार उनको दक्षिणा दें और कुछ वस्त्र, नवीन वस्त्र आप उन्हें जरूर दें। तो प्रिय साथियों, जितने उपाय भी हमने आपको बताए, यदि इनमें से कोई भी एक उपाय आप करते हैं और पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ करते हैं, तो मान के चलिए तब जाकर के पितृदोष का प्रभाव जो है वो समाप्त होता है। इस अवधि में लोग पितृदोष निवारण पूजा भी करवा सकते हैं, यानी कि पितृपक्ष के दौरान आप पितृदोष की जो है निवारण की भी पूजा संपन्न करवा सकते हैं। पितृपक्ष का और क्या महत्व है हमारे जीवन में? हमारे हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जो श्राद्ध कर्म है करना बहुत आवश्यक माना गया है साथियों। और ऐसी भी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उसके पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध या तर्पण नहीं किया जाता है तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, और इसलिए अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए वंशज जो होते हैं उनके द्वारा श्राद्ध कर्म संपन्न किया जाता है। यह इसका महत्व है साथियों। पितृपक्ष के दौरान कौन से वो कार्य हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, अब हम ये बात आपसे कर रहे हैं। तो पितृपक्ष के दौरान एक तो गैर शाकाहारी भोजन यानी कि मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर दो, बालों को नहीं कटवाना चाहिए। नंबर तीन, तामसिक भोजन का सेवन ना करें और मादक पदार्थों का सेवन ना करें। कोई भी नया प्रोजेक्ट यानी कि नया घर या नई गाड़ी आपको पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदनी चाहिए या नहीं बेचनी चाहिए। कोई भी मांगलिक कार्य यानी कि कोई भी बड़े शुभ कार्य इस समय पर नहीं किए जाते हैं, और किसी भी प्रकार की बड़ी खरीदारी भी नहीं की जाती है। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बगैर काम नहीं चल रहा है वो तो खरीदनी पड़ेंगी रोज़मर्रा की, लेकिन कोशिश यही करें कि आप खरीदारी ना करें। ऐसे सभी कार्यों को करने से बचना होगा आपको श्राद्ध पक्ष के दौरान। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष 2024 में जो श्राद्ध पक्ष है उसके दौरान कौन कौन सी तारीख में कौन कौन सी तिथि का श्राद्ध किया जाना है, तो इसकी जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। तो आइए साथियों, ये जानकारी भी आपको देते हैं कि इस वर्ष 2024 में जो पितृपक्ष है कब से आरंभ होगा और किस तिथि में और किस तारीख में कौन सी तिथि का श्राद्ध किया जाना चाहिए। तो देखिए, इस वर्ष 2024 में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा साथियों, यानी कि 17 सितंबर 2024 को श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाएगा। और 17 सितंबर को दिन मंगलवार होगा और इस दिन अनंत चतुर्दशी भी होगी, और इसी ही दिन पूर्णमासी यानी कि पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाएगा। दूसरा श्राद्ध जो है वो प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध होता है, वो 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार को किया जाएगा। और तीसरा श्राद्ध जो है वो द्वितीय तिथि का श्राद्ध जो माना जाता है वो 19 सितंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार को होगा। और फिर चौथा श्राद्ध जो कि तृतीय तिथि का श्राद्ध कहलाता है, वो तृतीय तिथि का श्राद्ध 20 सितंबर सन 2024 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। इसके बाद पांचवा श्राद्ध जिसको हम चतुर्थी तिथि का श्राद्ध कहते हैं, तो चतुर्थी तिथि का जो श्राद्ध है वो 21 सितंबर सन 2024
दिन शनिवार, यानी कि चतुर्थी का श्राद्ध जो है वो शनिवार को किया जाएगा। छठा श्राद्ध जो पंचमी तिथि का श्राद्ध होता है वो 22 सितंबर 2024 दिन रविवार को किया जाएगा, और षष्ठी तिथि का श्राद्ध और सप्तमी का श्राद्ध, दोनों तिथि का श्राद्ध, ये 23 सितंबर को, यानी कि 23 सितंबर 2024 दिन सोमवार को ही किया जाएगा। फिर एक बार बता रहे हैं कि षष्ठी तिथि यानी कि छठ की तिथि और सप्तमी तिथि दोनों के तिथि का श्राद्ध एक ही दिन होगा, 23 सितंबर 2024 दिन सोमवार को। अब आठवां श्राद्ध यानी कि जो अष्टमी तिथि का श्राद्ध है ये 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को किया जाएगा। इसके बाद जो नौवां श्राद्ध है, मतलब दसवां श्राद्ध कहना चाहिए, वो नवमी तिथि का श्राद्ध है और वो 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को किया जाएगा। इसके बाद जो ग्यारहवां श्राद्ध है, दसवीं तिथि का श्राद्ध कहलाता है, वो 26 सितंबर 2024 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार के दिन किया जाएगा। बारहवां श्राद्ध यानी कि एकादशी तिथि का श्राद्ध, ये 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। तेरहवां श्राद्ध जो कि द्वादशी तिथि का श्राद्ध कहलाता है, वह 29 सितंबर 2024 दिन रविवार को होगा। उसके बाद चौदहवां श्राद्ध त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध, ये 30 सितंबर 2024 दिन सोमवार को होगा। और पंद्रहवां श्राद्ध जो कि चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध होता है, ये 1 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को होगा। और अंतिम श्राद्ध जिसको हम सर्वपित्र अमावस्या का श्राद्ध बोलते हैं, वो होगा 2 अक्टूबर सन 2024 दिन बुधवार को। प्रिय साथियों, चतुर्दशी तिथि को जो इस हमने बताया कि 1 अक्टूबर मंगलवार को पड़ेगा चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध, तो चतुर्दशी तिथि को शस्त्र, विष, दुर्घटना, अकाल मृत्यु वाले लोगों का श्राद्ध भी होता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि में क्यों ना हुई हो। और चतुर्दशी तिथि में सामान्य मृत्यु वालों का श्राद्ध अमावस्या में करने का विधान है, अमावस्या की तिथि को, यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और आपको एक और भी महत्वपूर्ण जानकारी दे दें अंत में, वो ये कि लोग श्राद्ध जो करते हैं ना, वो अपनी सहूलियत के अनुसार करते हैं। कुछ तो पंडित जी को सुबह ही बुला करके भोजन करा देते हैं तर्पण कराने के बाद, कुछ दोपहर के बहुत बाद में कराते हैं, यानी कि समय की उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपको पूरे कायदे से करना है तो श्राद्ध जो है वो प्रातः 11:30 से लेकर के दोपहर के 2:30 के बीच कर लेना चाहिए, तर्पण भी और पंडित जी को भोजन भी, जो भी आप उनको कराते हैं। ये कार्य आपको प्रातः 11:30 से लेकर दोपहर के 2:30, 2:30 के बीच में कर लेना चाहिए संपन्न। तो प्रिय साथियों, ये थी जानकारी श्राद्ध पक्ष को लेकर के। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। तो साथियों, अब हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।